एवरीवन, दिस इज दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में एक टॉय है जिसका मैं डिटेल में रिव्यू करूंगी। तो मैंने सोचा था इसका कि कोई यूट्यूब का शॉर्ट्स बना के मैं दिखा दूंगी, बट होता क्या है यूट्यूब के शॉर्ट्स में मैं इतनी सारी चीजें डिटेल में नहीं बता सकती, तो इसीलिए सोचा थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगी बट थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू बता दूंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है वगैरह वगैरह। तो ये मैंने मंगवाया था फर्स्ट क्राई से, बेबी हग ब्रांड का है ये, कटिंग का प्ले सेट है ये। तो ये इस तरीके का है, आप देख सकते हो। इसकी प्राइस बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 795 में था और 356 में मुझे मिला था। क्वालिटी काफी अच्छी है, मैंने ओपन नहीं किया है बट बेबी ब्रांड की जो क्वालिटी होती है ना वो मुझे पसंद ही आती है, टॉयज की क्वालिटी बेस्ट होती है। एज रिकमेंड की है 2+ जो बच्चे हैं वो यूज कर पाएंगे। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की है वो मैं बता देती हूँ। फाइन मोटर ट्रेनिंग स्किल्स, जो मतलब हैंड की जो मूवमेंट है ना उसको हेल्प करेगा। कलर रिकॉग्नाइजेशन, कलर आप देख सकते हो कितने अच्छे वाइब्रेंट कलर दिए हैं, तो कलर रिकॉग्नाइजेशन में भी हेल्प करेगा। इमेजी नेटिव प्ले, मतलब वैसे तो कोई भी प्ले सेट होता है ना, चाहे वो किचन प्ले सेट हो या कोई भी हो, तो वो डिपेंड बच्चे की इमेजिनेशन जो होती है ना वो उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। वो अपने तरीके से ही खेलेंगे, जैसा उन्होंने इमेजिन किया है वैसे तरीके से। सोशल वेलबींग, मतलब टीम प्ले है, ऐसा नहीं है ये टॉय सिर्फ आपका बच्चा अकेला खेलेगा, अगर उसके फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहते हैं तो भी वो खेल सकता है। एज अ पजल भी मुझे लगता है ये खेल सकता है, आप भी उसके साथ, मतलब एज अ पेरेंट भी आप उसके साथ खेल सकते हो, उसको काफी कुछ सिखा सकते हो। और मुझे लगता है स्पेशली ये, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बाय नेचर, मुझे लगता है कि लड़कियों को ये टॉय ज्यादा पसंद आएगा कंपेयर टू लड़के। मुझे ऐसा लगता है नेचर वाइज लड़कियों को इस तरीके के किचन के रिलेटेड जो चीजें होती है ना वो हमेशा पसंद आती है, तो इसीलिए मुझे लगता है लड़की है अगर आपकी तो उसको तो काफी अच्छा लगेगा ये। तो इस तरीके का है। एंड इसमें और चीजें जो दी है ना, इसका जो मटीरियल है सेफ नॉन टॉक्सिक मटीरियल यूज हुआ है। स्मूथ सरफेस है इसका, मतलब बच्चे को हार्म नहीं होगी, कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिया है जहां से बच्चे को हार्म हो। जो पीसेस दिए हैं ना, जब बच्चा कट करेगा ना तो उसमें से हल्की सी आवाज आएगी, क्योंकि वेलक्रो दिया है बीच में, तो उसको लगेगा उसने कटिंग की, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। वाइब्रेंट कलर्स है, कलर्स जैसे मैंने बोला काफी अच्छे कलर है। रियलिस्टिक शेप्स, तो इसकी जो शेप्स देखोगे ना तो जैसे लाइक फ्रूट्स के शेप्स होते हैं ना उस तरीके का है, तो थोड़ा सा ये रियल लगेगा उनको, बच्चे को। तो ये इस तरीके का है, काफी अच्छा है, मुझे काफी पसंद आया, क्वालिटी वाइज भी काफी पसंद आया। और मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। एज मैंने बोला वैसे 2+ आई थिंक, बताया नहीं बताया, 2+ जो बच्चे है ना वो यूज कर पाएंगे इसको। तो बेबी हग ब्रांड की कोई भी चीज आपको परचेस करनी हो ना तो आपको फर्स्ट क्राई के स्टोर पे यहाँ ऑनलाइन मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की पैकिंग में ही आया था और आपको बस ऐसे अंदर भी एक ऐसे पैक, तो गिफ्टिंग के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो ना तो भी काफी अच्छा है। तो ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का है, मुझे काफी टाइम लगा इसको ओपन करने में बट हो गया वैसे। तो ये इस तरीके के हैं। टोटल इसमें 7 फ्रूट्स दिए हैं, एक चॉपिंग बोर्ड दिया है एंड ये जो है प्लास्टिक का छुरी ऐसा दिया है। तो इस तरीके के हैं कलर्स, आप देख सकते हो कैसे है। तो एक मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि ये कीवी है, तो ये देखिए कीवी है, यहाँ पर वेलक्रो दिया है और वेलक्रो से बच्चे को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा और कनेक्ट करने के बाद उसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के उसको कट करना, इस तरीके का प्ले सेट है बेसिकली। तो जब भी आप किचन में हो तब दे सकते हो, बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि वो भी हेल्प करवा रहा है और आपका भी काम हो जाएगा। अगर आपको किचन में कभी काम हो तो बच्चे को आप ये दे सकते हो और आपका जो काम है किचन में वो कर सकते हो। तो ये उस तरीके से काफी हेल्पफुल है, बच्चे थोड़े से एंगेज रहेंगे इस चीजों में। और इसमें मुझे बस पहले देख लेते हैं, बाद में जो चीजें नहीं पसंद आई ना मैं बताती हूँ आपको। तो ये बस ऐसे वाटरमेलन है, ऐसे पजल भी काम कर सकता है, जैसे कि ये वाटरमेलन है ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लगा दिया ना तो सेम साइड से ठीक है, बट अगर ऐसे लगाया तो ये गलत है। तो पजल, ऐसा पजल भी आप बच्चे को सिखा सकते हो, अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं छोटे रहते हैं समझ में नहीं आता, तो ऐसे अलग अलग भी ऐसे कर सकते हैं है ना साथ में, तो वो भी आप सिखा सकते हो कि ये गलत है, एक्चुअली में ये इसके साथ आएगा हाँ ऐसे, तो ये भी गलत है, ऐसा भी मतलब ऐसे पजल भी सिखा सकते हो। मुझे इसमें दो चीजें अच्छी नहीं लगी, फर्स्ट है वो है एमआरपी इसकी ज्यादा है, 800 में इस क्वालिटी का मुझे ज्यादा लगा। अगर डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब 400 के अंदर मिल रहा है आपको, तो मैं रेकमेंड करूंगी। अदरवाइज लोकल में भी मैंने देखा था 200 में 300 में, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और कम भी थी, मतलब चॉपिंग बोर्ड किसी किसी में आता था किसी में नहीं आता था, उस तरीके का था क्वालिटी, मुझे वहां की अच्छी नहीं लगी थी। क्वालिटी इसकी अच्छी है बट चॉपिंग बोर्ड की भी मैं बोलूंगी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
देखिए इस तरीके की है, अगर बच्चे ने वेट डाल दिया ना अपना तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो 400 के अंदर मिल रहा है तो मैं बोलूंगी वर्थ है, अदरवाइज आप अवॉइड कर सकते हो, कोई और ब्रांड भी देख सकते हो। बट बच्चे को प्ले करना है तो ये उस हिसाब से काफी अच्छा है, क्योंकि बच्चों को ना हमेशा किचन के टॉय ज्यादा पसंद, किचन की चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो या ऐसा ही था, तो बस यही था रिव्यू वीडियो, बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। कैसा लगा आप मुझे जरूर बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस देखने के लिए।